नमस्कार, हिमालिनी टेलीविजन में आप सभी का स्वागत है। हिमालिनी टेलीविजन से मैं हूं अंशुल राजपूत। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पीड़ित परिवार 50 लाख के मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग पर अड़ा। आखिर क्यों अड़ा? राजस्थान में पुजारी को जिंदा जलाने का केस सामने आया है। एक पुजारी को राजस्थान में जिंदा जला दिया गया। अंतिम संस्कार करने से इनकार, गांव में प्रदर्शन शुरू। राजस्थान के करौली जिले के सपोटरा इलाके में बुकना गांव में दबंगों ने पुजारी बाबूलाल वैष्णव की जलाकर हत्या कर दी। शव देर रात जयपुर से उनके गांव पहुंचा। परिवार ने अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया है। परिवार ने 50 लाख रुपए का मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। परिवार का कहना है कि आरोपियों को फौरन गिरफ्तार किया जाए, उनकी मदद करने वाले पटवारी और पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। पीड़ित परिवार का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। वहीं इस मसले को लेकर गांव में विरोध और प्रदर्शन भी लगातार जारी हैं। दरअसल जमीन विवाद पर बाबूलाल को गांव के दबंगों ने बुधवार को पेट्रोल जलाकर मार डाला। जयपुर के SMS अस्पताल में इलाज के दौरान गुरुवार को उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी कैलाश मीणा को गिरफ्तार कर लिया। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। करौली के बुगना गांव जयपुर से 175 किलोमीटर दूर है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने अशोक गहलोत से बात की। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सुबह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से राजस्थान में हो रहे अपराधों पर फौरन फोन पर चर्चा की। इस दौरान राज्यपाल ने करौली में पुजारी को जिंदा जलाने, बाड़मेर में नाबालिग से बलात्कार सहित प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में चिंता जाहिर की। सांसद भी धरने पर पहुंचे। सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, पूर्व विधायक मान सिंह भी पीड़ित परिवार के घर पहुंच गए हैं, धरना दे रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, गांव की सभी जातियों के पंच पटेलों के साथ बातचीत के बाद यह फैसला हुआ है कि पुजारी परिवार को हर हाल में न्याय मिलना चाहिए, अपराधियों को सख्त सजा होनी चाहिए। मैंने पुजारी के परिवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है। भाजपा ने 3 सदस्यों की कमेटी बनाई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पूरे मामले में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। इसमें सांसद रामचरण बोहरा के साथ राष्ट्रीय मंत्री अलका गुज्जर और जितेंद्र मीणा को शामिल किया गया है। पीड़ित ने कहा था, आरोपी मंदिर की जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। पुलिस के मुताबिक पीड़ित ने बताया था, कैलाश मीणा अपने साथी शंकर नमो किशन और राम लखन के साथ मंदिर के बाड़े पर कब्जा कर छप्पर लगा रहा था। हमने विरोध किया तो पेट्रोल डालकर आग लगा दी। हमारा परिवार मंदिर की 15 बीघा जमीन पर खेती कर अपना गुजारा करता है। विवाद आखिर शुरू कैसे हुआ? बाबूलाल वैष्णव सपोटरा तहसील के बुगना गांव के पुराने राधा कृष्ण मंदिर में पूजा करते थे। ग्रामीणों ने मंदिर के लिए खेती की जमीन दान कर रखी थी, जो राजस्व रिकॉर्ड में मंदिर माफी में दर्ज है। करीब 1 महीने पहले कुछ लोग जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करने लगे थे। पुजारी ने 5 पंच पटेलों से शिकायत की थी। 4-5 दिन पहले भी गाँव के 100 घरों की बैठक हुई, जिसमें पंचों ने पुजारी का समर्थन किया।